इस क्वेश्चन को आप लोग करो, एक लीनियर रेस का क्वेश्चन है, बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और ये एग्ज़ाम में अचानक से देखो तो शायद आप कंफ्यूज भी हो सकते हो। ठीक है, तो ट्राई दिस क्वेश्चन। ठीक है, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। चलिए तो देखते हैं कि इन अ लीनियर रेस 1000 मीटर का रेस होता है, ए और बी जो है, ए देखो एक लीनियर रेस है 1000 मीटर का, ए बीट करता है बी को 50 मीटर से, मान लो कि ये रेस है और ये 1000 मीटर का रेस। अगर ए बी को 50 मीटर से बीट करेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो अगर यहाँ पहुँच जाता है 1000, तो इससे 50 मीटर पीछे कौन रहता है? बी, समझ रहे हो ना, जब रेस चलता है तो। यानी कि ए अगर 1000 मीटर चलता है तो बी कितना चलता है? 950, क्योंकि ए बीट कर देता है 50 मीटर से। अच्छा, जो भी डिस्टेंस उन्होंने चला है वही तो उनका स्पीड का रेशियो होगा ना, वही ना स्पीड का रेशियो। अगर आप 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलो, 1 घंटे में एक आदमी 50 किलोमीटर चले, तो वही स्पीड हो गया कि 50 किलोमीटर पर आवर और 60 किलोमीटर पर आवर, समझ रहे हो। तो यहाँ पे अगर डिस्टेंस को मैं सेम मानूँ कि डिस्टेंस 1000 है, उसी में हमें स्पीड निकालना है, तो डिस्टेंस अगर सेम रहता है तो स्पीड और टाइम का रेशियो अपोजिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट अपोजिट लिख सकता हूँ 19:20, और हमारे पास यहाँ पे दे रहा है क्या कि भाई 50 मीटर से या तो बीट कर रहा है या तो 5 सेकंड से बीट कर रहा है। ठीक है, हमें निकालना है डिफरेंस बिटवीन स्पीड्स ऑफ ए एंड बी इन मीटर पर सेकंड। तो ऑलरेडी सारी चीज़ें मीटर पर सेकंड में चल रही है, तो हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे एक का वैल्यू 5 दिया है, यानी कि ये जो है पूरा ए 25 सेकंड में अपना डिस्टेंस ख़त्म करता है, और ये जो है 20, यानी कि 20 25 100 सेकंड में पूरा डिस्टेंस को कवर करता है। अब ये पूरा डिस्टेंस का मतलब क्या, लोग एरर कहाँ करते हैं, यहीं पर करते हैं, पूरा डिस्टेंस समझ रहे हो ना, कि 1000 दूरी जो चल रहा है तो ये 95 सेकंड में लग रहा है, और ये 1000 चल रहा है तो ये 10 सेकंड में लग रहा है। यहाँ पे 950 मत मानना, पूरा जब रेस कंप्लीट करता है या तो 50 मीटर से छोड़ता है पीछे उसको या तो 5 सेकंड से। तो ये 5 सेकंड का डिफरेंस आ रहा है, जब वो पूरा कंप्लीट रेस कर लेता है तो 5 सेकंड बाद कर रहा है, समझ रहे हो ना। तो वही 1000 दूरी जब ये कंप्लीट कर रहा है तो वो 5 सेकंड बाद करता है, यानी कि ये 95 सेकंड में किया होता है, ये 100 सेकंड। तो अब यहाँ से मुझे नहीं लगता कि दिक्कत होगी, ये नीचे इधर तो 10 आ जाएगा, और 10 माइनस इस इधर करोगे तो 200/19, 190 माइनस 200 10/19 आंसर आपका। ठीक है, मीटर, हर चीज़ मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ पे हमें कुछ करना नहीं है, आंसर डायरेक्ट मीटर पर सेकंड में ही आ जाएगा।